वहीं झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के विधायक अनंत ओझा ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि आपके 3 साल के कार्यकाल में अभी तक कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिल पाई हैं, जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब भी दिया गया। सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने विधायक अनंत ओझा के सवालों पर चिंता जाहिर करते हुए इस पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। वहीं हमारे संवाददाता राजेश तोमर ने विपक्ष के विधायक अनंत ओझा और सरकार में शामिल मंत्री चंपई सोरेन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, एक बार वो भी सुनिए आप। बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे सदन जी, आनंद जी, कि क्या चीज़ को लेकर आपको आपत्ति थी और क्यों आपने सवाल किया? नहीं, आपत्ति नहीं थी। हमने तो सरकार से सीधा कहा कि 3 वर्षों में आपने कितना रोजगार दिया। सरकार ने कहा कि हमने 357 लोगों को, यानी 2 नियुक्तियों के बारे में उन्होंने चर्चा किया, 357 लोगों को हमने अभी तक रोजगार दिया है। और वो अभी रोजगार दिया है 2016 में जो नियुक्ति नियोजन नीति बनी थी उसके आधार पर, और हमने जो नियोजन नीति बनाई थी उसको भी हाल ही में हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। आगे हमने कहा कि आप राज्य में जो अनेक 65% से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, ऐसे लाखों जो भर खाली क्षेत्र हैं रोजगार के, उस पर कैसे किस आधार पर रोजगार करेंगे, तो इन्होंने कहा कि वो जो नियुक्ति प्रक्रिया हमने विधानसभा से जो पारित किया है वो 9वीं अनुसूची में शामिल होगा, उसके बाद हम इसके बारे में विचार करेंगे किस आधार पर नियुक्ति को देना है। दादा, आपने इनका जवाब सुना, तो यहाँ के बच्चों को रोजगार क्या कब तक मिल पाएगा 10वीं 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद, जिसमें काफ़ी वक्त लगेगा? ये सवाल, जो सवाल आपने कर रहा है, ये सभी के बीच में है, लेकिन आज अभी हाउस में CM स्पष्ट कर दिया है, जो यहाँ का विद्यार्थी के जो भावना है, बहुत जल्दी नियुक्ति का विकल्प का व्यवस्था होने जा रहा है, कभी नियुक्ति रुकने का काम नहीं है। स्थानीय नीति है जो आप लोगों ने विधानसभा में पास कराया है, वो राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएगा, फिर वहाँ से लौटेगा या फिर केंद्र के पास जाएगा, फिर विवेचना होगी, तो काफ़ी बड़ा वक्त लग जाएगा, तो इस बीच सरकार क्या कोई व्यवस्था नहीं करेगी? ये स्पष्ट हो गया, अभी हाउस में आज ने घोषणा कर दिया मुख्यमंत्री जी की वैकल्पिक व्यवस्था करके हम लोग युवा को नियुक्ति देंगे। तो वैकल्पिक व्यवस्था दादा क्या हो सकता है? हो सकता है, आपको देखते रहा, थोड़ा इंतजार तो करना ही है। आनंद जी का जो अभी फिलहाल चिंता है वो ये मुक्त रहेंगे अभी? ठीक है, उनका अपना वाजिब है चिंता करना, लेकिन सरकार की ओर से इसका विकल्प की व्यवस्था होने जा रहा है। हम बात कर रहे थे मंत्री चंपई सोरेन से, अनंत ओझा ने सवाल पूछा था, जवाब आपने सुना होगा। झारखंड में जो राजनीति हो रही है, विधानसभा में जो सवाल और जवाब मिल रहे हैं, उससे जाहिर है कि अभी छात्रों को बहुत जल्द कोई राहत नहीं मिलने वाला है। कैमरा पर्सन सुशील साथ में राजेश तोमर, न्यूज़ स्टेट के लिए।